ग्वालियर जिला प्रशासन और क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध रूप से संग्रहित की गई दवाओं का जखीरा जब्त किया है। इसी सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया। आरोपी मनोज गोयल से क्राइम ब्रांच पुलिस और औषधि प्रशासन विभाग पूछताछ कर रहा है। क्राइम ब्रांच और ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना मिली कि भौड़ापुर थाना क्षेत्र के मेवाती मोहल्ले में कोई व्यक्ति आगरा और कानपुर से अंग्रेजी दवाइयों को लाकर ग्वालियर और आसपास के देहात क्षेत्र में सप्लाई करता है। वहीं सूचना पर ड्रग विभाग ने क्राइम ब्रांच पुलिस की मदद से मेवाती मोहल्ले में मनोज गोयल के ठिकाने पर कार्रवाई की। यहां लाखों रुपए की अंग्रेजी दवाएं मिली हैं। इनमें ज्यादातर दवाएं टैक्स चोरी और नमूनों के रूप में दी जाने वाली मेडिसिन शामिल हैं, जिस पर नॉट फॉर सेल भी लिखा हुआ है। इसके अलावा इन दवाओं के बारे में पड़ताल की जा रही है, कहीं ये दवाएं नकली तो नहीं है। नकली दवाओं का कारोबार भी धड़ल्ले से फल फूल रहा है। मनोज गोयल को क्राइम ब्रांच पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, उसे पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर में दवाओं का बड़ा कारोबार है, लेकिन इस कारोबार में कुछ ड्रग तस्कर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से लाकर वहां दवाओं को खपाते हैं, जिनकी कीमत में यहां और वहां जमीन आसमान का अंतर है। कुछ दवाओं को ग्वालियर चंबल क्षेत्र से यूपी में सप्लाई किया जाता है, तो कुछ दवाओं को बाहर से लाकर खपाया जाता है। साथ ही पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और अन्य रैकेट का भी पता चल सकता है। चेकिंग किया गया ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा, सामने क्राइम ब्रांच थी, तो तीन कमरों में मेडिसिन भरी हुई थी। उसके बारे में पूछताछ किया, उसमें कई मेडिसिन ऐसी थी जो कि नॉट फॉर सेल थी, कई एमआर के द्वारा दी गई, जैसा कि उसने पूछताछ में बताया। कुछ प्रिंट था कि नॉट फॉर सेल, तो उसने बताया कि आगरा के एक व्यक्ति से वो लेकर आता है। तो इसमें फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा इसमें कार्रवाई कर ली गई है, ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा इसमें कार्रवाई कर ली गई है और सारी दवाइयाँ जब्त कर ली गई हैं। अब इसमें कोर्ट में उनके द्वारा ये पेश की रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो उसके द्वारा वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लाखों की दवाई होना बताया गया है और ये पूरी दवाई एलोपैथिक।